वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे थे बी फार्मा सेकंड सेमेस्टर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सेकंड, तो इसकी हमारी थर्ड यूनिट आज के इस लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगी। लास्ट लेक्चर होगा हमारा थर्ड यूनिट का, देन हम यूनिट फोर स्टार्ट करेंगे। तो लास्ट टॉपिक हमारा रह गया था इसके अंदर डिसऑर्डर ऑफ किडनी। हमने स्टडी किया है यूरिनरी सिस्टम के बारे में, तो अब इसके डिसऑर्डर भी हमें देखना है कि कौन कौन से बेसिकली जो मेन डिजीज हैं जो कोज होते हैं और अफेक्ट करते हैं फंक्शन ऑफ यूरिनरी सिस्टम। तो कंप्लीट इस लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से इसको स्टडी करना है। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो इससे पहले हमारे 13 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं यूनिट थर्ड के, वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, उससे आप जाके देख सकते हैं। तो डिसऑर्डर ऑफ किडनी में जो 5 डिसऑर्डर्स हैं उनके बारे में आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। सभी ने सुना होगा यूटीआई, इसको हम बोलते हैं, जो बेसिकली ज्यादातर क्या वुमेन के अंदर होता है यूटीआई, और ये नहीं है कि मेन के अंदर नहीं होता है, मेन के अंदर भी यूटीआई हो जाता है। यूटीआई आर कॉज बाय पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब यही है कि यूटीआई मतलब यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। अब इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन बेसिकली जो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी वजह से ही होता है इन द यूरिनरी ट्रैक, इसलिए हम इनको बोलते हैं यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। द नॉर्मल यूरिनरी ट्रैक इज स्टराइल अबाउट द यूरेथ्रा। मतलब जो नॉर्मल यूरिनरी ट्रैक होता है उस कंडीशन में वो स्टराइल होता है, लेकिन जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इन्फेक्ट होता है तो वो कोज करता है यूटीआई। यूटीआई इज मोर कॉमन इन वुमन। सेकेंड है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या है, इसके अंदर रीनल फेल हो जाता है, रीनल फेलियर हो जाता है। कैसे होता है, टाइप ऑफ रीनल फेलियर विथ इंक्रीज ग्लोमेरुलर परमियबिलिटी एंड मैसिव प्रोटीनूरिया। इसमें क्या होता है कि जो आपकी बॉडी का प्रोटीन है बेसिकली हाई अमाउंट में यूरिन के थ्रू बॉडी से लॉस हो जाता है, तो उस कंडीशन में रीनल फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेफ्रोटिक सिंड्रोम इज ए किडनी डिसऑर्डर दैट कॉज योर बॉडी टू पास टू मच प्रोटीन इन योर यूरिन। मतलब अगर प्रोटीन का लॉस होगा तो आपके बॉडी में प्रोटीन की कमी आ जाएगी, तो वो डिफरेंट डिफरेंट डिजीज को कॉज करता है। लास्ट थर्ड है किडनी स्टोन। किडनी स्टोन के बारे में आपने सुना होगा, बहुत ही पॉपुलर डिजीज है। किडनी स्टोन आल्सो कॉल्ड एज रीनल कैलकुली यूरोलीथेसिस, इसके कुछ भी बोल सकते हैं कि रीनल कैलकुली बोल सकते हैं, यूरोलीथेसिस बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है, हार्ड डिपॉजिट मेड ऑफ मिनरल्स एंड साल्ट, डिफरेंट डिफरेंट मिनरल साल्ट धीरे धीरे मिलके क्या बनाते हैं, एक स्टोन क्रिएट करते हैं, एक बहुत ही हार्ड प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं किडनी के अंदर, जो आपको एंड में यूरिनेशन में बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है और ये बहुत ही पेनफुल कंडीशन हो जाती है। तो ये होता है किसके अंदर, इनसाइड योर किडनी। तो 3 हो गए। अब इसका रीजन क्या हो सकता है किडनी स्टोन का, डाइट, एक्सेस, बॉडी वेट, सम मेडिकल कंडीशन एंड सर्टेन सप्लीमेंट एंड मेडिकेशन आर अमंग द मेनी कॉजेज ऑफ द किडनी स्टोन। मतलब कि बॉडी के अंदर कोई भी डिजीज हो रही है, कोई भी इम्बेलेंस हो रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं हमारी जो डाइट है, डेली रूटीन है, उसका ही रोल होता है। फोर्थ है यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। इसमें क्या होता है कि जो आपका कंट्रोल होता है यूरिनेशन के ऊपर वो लॉस हो जाता है। मतलब कि जो आपका कंट्रोल है यूरिनेशन पे वो नहीं रह पाता है इस कंडीशन में, इस डिजीज में। द लॉसेज ऑफ ब्लेडर कंट्रोल इज ए कॉमन एंड ऑफन अग्रेसिव प्रॉब्लम। द सीवियरिटी रेंज फ्रॉम ऑक्यूजनली लीकिंग।
अब इस कंडीशन में क्या होगा, जब आप स्नीज करेंगे, कफ करेंगे, उस कंडीशन में भी यूरिन लीक होगा और आपको यूरिनेट करने की, जैसे यूरिनेशन जैसी फीलिंग होगी कि आप यूरिनेट कर रहे हैं। लास्ट है पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। ये क्या होता है, इसके अंदर होता है एनलार्जमेंट ऑफ किडनी बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मैनी सिस्ट विद देम स्लो प्रोग्रेसिव डिजीज। मतलब कुछ सिस्ट बन जाते हैं, वो धीरे धीरे ग्रोथ करते हैं और क्या करते हैं, साइज को इंक्रीज करते हैं, किडनी की साइज को स्वेलिंग होके, तो ये एक डिजीज हो गई। इसके अलावा भी काफी डिजीज है जो हम यहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, जितना हमें इम्पोर्टेंट लगा उतना हमने यहाँ पर कवर किया है। तो आई होप जो यूनिट थर्ड थी वो आपको कंप्लीट समझ में आई होगी। अब आगे हम स्टार्ट करेंगे हमारी यूनिट फोर्थ, एंडोक्राइन सिस्टम। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।